अच्छा बाबूजी, बा आरुषि रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से लहर म्यूजिक वर्ल्ड चैनल पर अजय जी की प्रस्तुति में हम गायक कलाकार पारसनाथ यादव, ग्राम भैरवपुर पोस्ट वैनी तहसील लंबुआ सुल्तानपुर की पावन धरती से आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। बिरहा की प्रस्तुति बा कैसे भैया, जैसन कि आप लोगन के बीच में पहला कैसे कर्ण अर्जुन की लड़ाई, आज हम दूसरी कैसेट की रिकॉर्डिंग करवाने जा रहे हैं साथियों। और आज का बिरहा होगा कर्ण का जन्म। तीन पुराण से बिरहा आप सभी को सुनने को मिलेगा बाबूजी। भाई बा, और हमारे बिरहा के शीर्षक बा कवन भैया, दक्ष की यज्ञ में गिरजा का जाना उर्फ कर्ण का जन्म। रामायण, शिव पुराण और महाभारत, तीन पुराण से आप लोगों को बिरहा सुनने को मिलेगा साथियों। चार लाइन गाने की भूमिका के अंदर कवि जी भाव दिए हैं, मास्टर कहना है। साधना कर रहे शिव महाशक्ति का, श्राद्ध पूजा विनय का पहर हो गया, खो गए हो जगत स्वामी अनुराग में, देख भोले का पारा गरम हो गया, मन मुदित हो मगन गिर जायी वहाँ, यज्ञ विकराल मय के शुरू हो गया, नाथ जल्दी उठो सर्वदा के लिए, आपके दिल में कैसा भरम हो गया। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर महाशक्ति की साधना करने बैठे और इतने में माता गिरजा भगवान भोलेनाथ के पास आई और आ करके भगवान भोलेनाथ से कहने लगी। क्या कहने लगी मास्टर? कव्वाली की उहे नमूना बा, बा, बा। प्रेमी प्रेमिका के बीच वाली बात है। कैसे भैया, कौनो लड़की लड़का से प्रेम कह के और लड़का के छोड़ दिए, एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन बीत गया, एक दिन लड़किया जब मिलल तब तो उ लड़कवा लड़किया से कहत बा, का कहत बा मास्टर? अरे मिला के दिल को तू, मिला के दिल को तू दिलदार ना समझती हो, मिला के दिल को तू दिलदार ना समझती हो, समझती हो, बड़ी भोली हो सनम, बड़ी भोली हो सनम प्यार ना समझती हो, बड़ी भोली हो सनम प्यार ना समझती हो,
कव्वाली के टुकड़ा रहे, लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव कितना सुंदर दिए हैं मास्टर, कहना है। माता गिरजा भगवान भोलेनाथ के पास आई और आकर के भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, क्या कहती हैं? चलो हे नाथ तेरा, चलो हे नाथ तेरा साथ बड़ा प्यारा है, कहानी की शुरुआत बा। कहानी कहाँ का बा, कैसन कहानी बा बाबू, तनी नजम के लाइन में कहना है मास्टर। जिला राजमगढ़ में महाराज गंज नाम हुआ, जमगढ़ में महाराजगंज नाम हुआ, बड़ा प्रसिद्ध वही भैरव बाबा का धाम हुआ। वही सन्यासी साधु जोग को रमाते हैं, वही सन्यासी साधु जोग को रमाते हैं, बड़ी श्रद्धा से शिव शंकर जी पुजारते हैं। राज दक्ष वीर शक्तिशाली हैं, प्रतापी राज दक्ष वीर शक्तिशाली हैं, सजा के बाग अमयस दास बन के माली हैं। करु विकराल यज्ञ राज का उपदेश रहा, करु विकराल यज्ञ राज का उपदेश रहा, निमंत्रण भेज डालो धूप का संदेश। हमारे द्वार ना, हमारे द्वार ना शिव शंकर जी को आना है, हमारे द्वार ना शिव शंकर जी को आना है, यज्ञ की खबर तक उन्हें बिना बता। बाबूजी पहले बात के समझ ली, उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम है आजमगढ़। साथियों आप सब लोगों ने जानते होंगे आजमगढ़ जिले की बात, वही एक जगह का नाम बा महाराजगंज, और वही महाराजगंज में एक भैरव बाबा का बड़ा विशाल मंदिर है। बाबा गिरजा के पिता राजा दक्षवीर यज्ञ करवाने के लिए सोच लिए, मंत्री को बुलाए और बुला करके बोले कि मैं यज्ञ कराने के लिए मन में विचार कर रहा हूँ, और तुम लोग मिल करके निमंत्रण भेज दो, लेकिन एक बात याद रहे कि भगवान भोलेनाथ को पता तक भी नहीं चलना चाहिए कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रही है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दो, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण मत देना। बाबूजी कहना है मास्टर तर्जमा बिरहा में। Oh!
देवर भौजाई के बीच वाली बात बा। एक दिन देवरवा अपने भौजी के सुगराई देख के कहत बा, का कहत बा, बाटा बाटा गोरी बाटा ले हजार पाइबू, बाटा बाटा गोरी बाटा ले हजार पाइबू, नहीं बाटा बूटा काये करे हजार नहीं। लेकिन भाव कितना सुंदर बिरहा में लिखे कवि जी। राजा तक्षवीर अपने मंत्री से कहते हैं क्या, जाता जाता गाल पत्रिका छपा दे बहो, जाता जाता गाल पत्रिका छपा दे बहो, हमरे पूजावा के खबर जना दे बहो, अपने मंत्री से बोले पत्रिका छपवा के भेज दो। और यह तैयारी होत बा सामान के कि सकल संदेश सवले आले मंगाई, पूजा के सामान सब यज्ञ में जुटाई, यज्ञ पूरा हो पूजा दे बहो, यज्ञ पूरा हो रम पूजा दे बहो, हमरे पूजा के खबर जना दे बहो, बाबूजी। उधर मंत्री पत्रिका छपवा करके सभी देवताओं को सभी देवियों को निमंत्रण भेज रहे हैं। यह सामान सब इकट्ठा हो गया, बाबा अब हवन हो गए की तैयारी बा। वो समय के बाद बामा ऐसे बिरह में तर्ज बा, ऐसे भैया कौनो दुलहिन अपने दुल्हा के बात बतावत बा, का बतावत बा, अरे पियावा मिलल बल्ला लमुंगावा देख के सपनावा ये नाल दी, सुरु बाट राजा के हवा नवा तक खुश भजा नवा ये साजा, भगवान भोलेनाथ के बार बार कहा था कि स्वामी स्वामी हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे थे आपसे, हमके बहुत जल्दी हमारे नैहरे पहुँचाए था, माई गिरजा कर रहे थे का ये वर्दे बिकी राजा कहीं घबराई, चला चली बाबा के भवन नवा तक खुश बजा नवा ये साजा, भगवान भोलेनाथ से माई गिरजा कहा था कि स्वामी
नहीं रे हमारे यज्ञ होत बा बाबू जी हमारे करावत हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना विनती करत है हमके पहुँचाए दा। जब इतनी बात भगवान भोलेनाथ माई गिरजा के सुने तो भगवान भोलेनाथ समझावत हैं माई गिरजा के कैसे भैया कि बिना रे बोलाए प्यारी होला या पापाना बाबू जी भगवान भोलेनाथ माई गिरजा के समझावत हैं कि देखा गिरजा वो तुहार बाप हो के अगर तोहकर न्योता ना आए दिन है तो वहाँ जा बेकूफी वाली बात हुई है। बिना न्योता के अगर चला जाए केहू कुछ कह दे तो बहुत बड़ा अपमान हो बड़ा बेइज्जती हुई। भगवान भोलेनाथ की बात को सुन करके माई गिरजा रोने लगी। जब रोने लगी बाबूजी तब भगवान भोलेनाथ किए क्या तरजबा मास्टर बड़ी रंगीन गीत हमारे मास्टर जी बजा दिए। कौनो दुल्हनी के बात बा नई नई लड़की के गौना भइल अच्छा और जब अपना गौने आए रात में 12 बजे जब दुल्हा सुहाग रात के कक्ष में पहुंचलस दुल्हनी के जैसन भरकवारी में भरे के कोशिश कैलस कचकचाय के वैसे दुल्हन छटक के हो बाहर जाए के खड़ी भइल। रउआ सब आदत ठीक बा लेकिन ई आदत ठीक ना बा। रात भे एक किनारे दुल्हा है दूसरा किनारे दुल्हन सारी रात बीत गए बाबूजी। सुबेरा भाई और जब सुबह हुआ तब तो दुल्हा सूट के सुठा के प्रदेश की तैयारी कैल। जब सूट के लेके हाथ में दुल्हा प्रदेश की तैयारी कैलस ओ समय दुल्हन दुल्हा के पांव पकड़ के कहत का कहत बा मास्टर अरे अखिया मिलावा यावा गरवा लगावा हमार बने भगवान भोलेनाथ बात सुन के माई गिरजा रोवे लगी। और जब रोवे लगी तब भगवान भोलेनाथ अपने एक गण से माई गिरजा के भेजावत हैं नैहरे कैसे कैसे खुश हो के गिरजा बोली खुश हो के गिरजा बोली शिव के पाजरवा हमारे सामने तैयार हो
के तैयार चलली नैहर नगरिया। माई के देखत भी जलबा नजरिया, बाबूजी माई गिरजा के जिद के आगे भगवान भोलेनाथ गिरजा की बात को मान करके और अपने गण से माई गिरजा के पहुंचावत हैं नैहरे। और जब अपने माई के पहुंच गई तो पहली मुलाकात महतारी से होत बा। माई गिरजा के माता जी मिल गई पहले, और जब जब बिटिया के बिना न्योतक देखत हैं दयालु और मुंह घुमाई बाबूजी। माई गिरजा अपने मन में सोच रही हैं, क्या सोच रही मास्टर तरजवा का भैया? यह गीत बा, यह देवर भौजाई गए वाली बात बा। देवर कहत बा भौजी एक बात बतावा कि तू भैया के ज्यादा मानत हऊ हमके कम, लेकिन देवर कहत बा का कहत बा? ए भौजी देवर के दूर दूर ना आए, हाय देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना। लिखे हैं माई गिरजा के देख के गिरजा के माता जब दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है बाबूजी, तब माता गिरजा रोने लगी। कहना है बरसे नजरिया ना कि आए हाय बरसे नजरिया ना। अपने मन के पूरी पकाव झर झर बाबू जी। माई गिरजा के आंख से आंसू गिरे लगा, और जब आंख से आंसू गिरने लगा तो अपने मन में सोच रही है माई गिरजा, का सोचत है? पिताजी ले हलें मुआवा घुमाई, मुआवा घुमाई, देखा पिताजी ले हलें घुमाई। कुछ हाल चाल नहीं खबर पूछ भाई, खबर पूछ भाई। I'm
के हवन में जाना गवा मैं भैली बाबूजी। जब पहली मुलाकात माई से भय महतारी देख के दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और अगली मुलाकात पिताजी से हुई राजा दक्षवीर से। बाबूजी राजा दक्षवीर भी गिरजा को देख करके ना हाल पूछते हैं ना चाल पूछते हैं ना पाले ना पत्ता कुछ ना भैया दूसरी तरफ मुंह को मोड़ लेते हैं और बाबूजी इस अपमान को देख करके माता गिरजा उसी हवन कुंड में कूद कर जल जाती हैं। और जब कूद कर जल गई हवन कुंड में तब एक शिव भक्त जाकर के भगवान भोलेनाथ से बात बताता है। क्या बताता है? क्या तेरी के बाद बात ससुरारी में घोटाला हो गया। ये भैया ससुरारी में घोटाला हो गया। क्रोधित कुपित सुवन शिव शंकर डमरू वाला अरे हो वाला अरे हो वाला क्रोधित कुपित सुवन शिव शंकर डमरू वाला ससुरारी में घोटाला हो गया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध लगा जब इस बात को सुने कि गिरजा हवन कुंड में जलकर राख हो गई। भगवान भोलेनाथ को क्रोध लगा और जब क्रोध लगा कैलाश पर्वत से चल देते हैं और जब चल देते हैं बाबूजी उस समय के बात बात पापड़ के लाइन में कहना है। क्रोध में आग बबूला धनुष उठा डमरू वाला हो और चढ़ा के तरकस संसति चलावे डमरू वाला हो। भोले तीर चलाई और सब बाणों ने कुआं रूपी अपना जगह बनाई। पैदा भैले वीरभद्र समझाव डमरू वाला हो सबकी मूड़ी काटो ये चेताव डमरू वाला हो। और जब हवन कुंड के पास पहुंचे लगे बाणों की बरसात करने। बाबूजी भगवान भोलेनाथ का क्रोध देख करके वीरभद्र प्रकट हुआ और जब वीरभद्र प्रकट हुआ तब भगवान भोलेनाथ का क्रोध देख करके समझ गया। क्या समझ गया? क्या कहना है कि बहुत भैरव वीरभद्र परमा को लिया पुजाई और हवन कुंड से राख लिए भोले के पास गा आई। भगवान भोलेनाथ का क्रोध देख करके वीरभद्र समझ गया कि अब कोई बचेगा नहीं। उसी हवन कुंड से जिस हवन कुंड में माई गिरजा जलकर राख हुई थी बाबूजी उसी हवन कुंड से थोड़ी सी राख ला करके और भगवान भोलेनाथ को देता है। वीरभद्र कहता है कि प्रभु
मंत्रों का उच्चारण करके इस राख को हवन कुंड में डालिए और माता गिरजा प्रकट हो जाएंगी। कहना है कि बहुत भैरव वीर भद्रे अरमा को लिया पुजारी, अब हवन कुंड से राख लिया भोले के पास गए आई, उस राख को भगवान भोलेनाथ मंत्रों का उच्चारण करके शवन कुंड में डाले, तब माता गिरजा उसमें से निकली और निकलने के बाद बाबूजी भगवान भोलेनाथ माई गिरजा का हाथ पकड़े कहे कि ये बाज के बाद नहीं हरे ना जा, बिना नेवता के चली आऊ, वही के नतीजा आए। बाबूजी भगवान भोलेनाथ माई गिरजा के लेके कैलाश की तैयारी किए, जब कैलाश की तैयारी किए तो उस समय के बाद बाबा मास्टर आभा के लाइन में कहना कैसे भैया हाय राम नंगे धीरंग भगवान भोलेनाथ जब कुछ दूर चले गए लेकर तो एक पेड़ के नीचे बैठ कर बाबूजी छहाने लगे, और जब छहाने लगे तब उस समय की बात बात कहना है, गए कुछ दूर भारी लागला थकनवा भैया, भगवान भोलेनाथ पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब बैठ गए वो हर माई गिरजा बैठ गई, माई गिरजा के नींद लग गए, पेड़ के नीचे ही बाबूजी सो गई, और इतने में भगवान भोलेनाथ को भी नींद आने लगी। भगवान भोलेनाथ रोज त्रिशूल सीधा गाड़त रहे, वो दिन उल्टा गाड़ते, जमीन में उल्टा धसा कर त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ भी सो गए, और जब सो गए तो उस समय का भाव है कहना है कैसे सातो सखियन के झुंड या नहावन करे आईली, सात सखियन के नहावन करे ले, सात सखियन के नहावन करे ले, बारा परी सतहुन से गईली नंगा, बारा परी सतहुन से गईली
त्रिशूल जमीन में उल्टा धसाकर भगवान भोलेनाथ पेड़ के नीचे सो गए, तो इतने में सात सखियों की एक झुंड स्नान करने के लिए जा रही थी। बाबूजी सातों सखियां पारा पारी उस त्रिशूल को पार करके स्नान करने जाती हैं, और जब स्नान करने लगती हैं सातों सखियां, तो पारा पारी सातों सखियन के पेट लगा फूल गड़बड़ाई के मामला। और जब फूलने लगा बाबूजी, तीतने में माई गिरजा उठ के देखत है कि अब अहिन केहू नहीं रहा, अब अहिन कहीं का हम देखत है। भगवान भोलेनाथ के पोखा में एक हुला माई गिरजा मारी, उठा देती हैं बाबूजी। और जब भगवान भोलेनाथ उठ गए, उठकर देख रहे हैं कि अरे अभी तक तो कुछ नहीं था। भगवान भोलेनाथ का बाबूजी ध्यान पड़ा त्रिशूल के ऊपर, तो त्रिशूल को उखाड़ के और फिर से वही उसी जगह पर सीधे धसा देते हैं। और सातों सखियों का बाबूजी गर्भ पारा पारी से त्रिशूल के पास आया, गिर गया। और जब गिर गया तो माई गिरजा हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, हे स्वामी बड़ा पाप होई, एकर कौनो जुगाड़ कौनो जुगुत लगावा। भगवान भोलेनाथ सातों गर्भ को उठा करके एक फल बनाए, और फल बना करके सूर्य भगवान को अर्पित कर दिए। काफी समय बीत गया और भगवान भोलेनाथ इस बात को भूल गए कि मैंने किसी को कुछ दिया है। बाबूजी यहीं से कहानी आप लोगों के महाभारत में मिली। कहना है मास्टर खड़ी में, पूजा पाठ में कुंती ध्यान लगाई बबुआ, खुशी से नारायण की देहला फल थमाई बबुआ। बबुआ
बाबूजी भगवान भोलेनाथ इस बात को भूल गए कि हम सूर्य भगवान को कुछ दे हैं और फल बना करके भगवान सूर्य को दे दिए थे। सातों गर्भ उठा करके एक फल बना करके भगवान सूर्य को दे दिए थे। अब सूर्य भगवान वो हर परेशान एकदम कि तो गजब की गठरी भगवान भोलेनाथ दे दे बेका हम कहां रखी केका देई। हाँ, केका देई बाबूजी। जिस समय माता कुंती भगवान सूर्य की आराधना में बैठती हैं, सूर्य भगवान मौका भी अच्छा पा गए कि मौका बड़ा बढ़िया बा, लावाही गठरी उठाई के बाबूजी। माता कुंती के भक्ति देख के सूर्य भगवान खुश हो करके उसी फल को उठा करके माता कुंती को दे देते हैं। और जब कुंती उस फल को पाती हैं तो करती हैं क्या क्या ग्रहण ग्रहण कर कुंती फल पाके गर्भ गया समाई। बाबूजी उस फल को ग्रहण करते ही माता कुंती को गर्भ रह गया और उस गर्भ से बाबूजी कोई दूसरा नहीं बल्कि कर्णवीर पैदा हुआ। महाभारत में लड़ाई किया और बाबूजी कहे मास्टर दानवीर बलवान जगत में सिद्धि गई ले पाई। कुंडल कुंती को दिए थमाई कुरुक्षेत्र में हरि का दर्शन पाई बबुआ खुशी से नारायण जी देव फल थमाई बबुआ। वही कर्ण पैदा हुआ और महाभारत में लड़ाई किया, पांडव के हाथ मारा गया कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान मुरली मनोहर कृष्ण जी जा करके परीक्षा लिए, दान मांगे और बाबूजी स्वयं दर्शन दिए। आखिरी लाइन कहना है हरि अनंत हरि कथा अनंता गुरु गणेश जयकारी स्वर्ग बसे